वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज अजरा एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल अजराज ब्यूटी पार्लर। आज मैं आपके साथ फार्मूला क्रीम शेयर करने जा रही हूं, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। फार्मूला क्रीम यूज करने से आपकी स्किन किस तरह से व्हाइट होती है, किस तरह से ब्राइट होगी, तो आपके साथ ये मैं डिस्कस शेयर करूंगी। और फार्मूला क्रीम यूज करने से आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, तो भी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। ज्यादातर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही चाहते हैं कि उनकी स्किन व्हाइट हो, ब्राइट हो और अच्छी लगे और ग्लो दिखे बिल्कुल, और जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप की क्रीम्स यानी कि फार्मूला क्रीम्स अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिसका उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और उसका साइड इफेक्ट भी क्या होता है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। देखिए, एक्चुअली फार्मूला क्रीम क्या होती है, मार्केट्स में डिफरेंट टाइप की क्रीम्स आती है, उसको मिक्स करके क्रीम जो बनाई जाती है उसे फार्मूला क्रीम कहते हैं। फार्मूला क्रीम आपकी स्किन पे अप्लाई करने के बाद आपको चंद ही दिनों में बहुत ही व्हाइट कर देती है, ब्राइट कर देती है और आप बिल्कुल फेयर लगते हैं। मगर फार्मूला क्रीम के ज़्यादा यूज़ करने से आपकी स्किन की जो लेयर होती है यानी कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे झाइयाँ आना शुरू हो जाती है। जब आपकी स्किन पे झाइयाँ आती है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, फिर जो आपकी स्किन नॉर्मल है वो भी नहीं रह पाती, तो आपको फार्मूला क्रीम से जिस तरह से बेनिफिट मिलता है उस तरह से आपको लॉस भी मिलता है। फार्मूला क्रीम आप किसी भी ब्रांड की यूज़ करें या कोई सा भी मेथड यूज़ करें तो आपको इससे साइड इफेक्ट लाजमी मिलता है। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट इसका मिलता है, और अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करें यानी आप नॉर्मल यूज़ करें तो आपकी स्किन पर फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप जब भी फार्मूला क्रीम यूज़ करें तो अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फार्मूला क्रीम आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो फार्मूला क्रीम आप किसी भी ब्रांड की बना लें तो आपको फिर उसका साइड इफेक्ट मिलता है। फार्मूला क्रीम ज़्यादा यूज़ करने से आपकी स्किन पे, जैसे आप जैसे बाहर जा रही हैं तो आपको सनलाइट जो फौरन फेस पे पड़ती है तो आपके फेस पे इचिंग शुरू हो जाती है, आपको झाइयों का इशू शुरू हो जाता है, और जब आप नॉर्मल वाटर से भी अपना फेस वॉश करते हैं तो आपको वाटर से भी इचिंग होती है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो प्रोटेक्ट लेयर होती है, स्किन की जो प्रोटेक्ट लेयर है जब वही ख़राब हो जाती है फार्मूला क्रीम यूज़ कर करके, तो आपको फिर उसका नुकसान ही होता है। आप जब भी फार्मूला क्रीम का यूज़ करें तो आप नाइट पे यूज़ करें और फिर मॉर्निंग पे फौरन वॉश कर लें। चूल्हे पे जाने से पहले आपको वॉश करना है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, यानी कि आप जब बाहर भी जाएं तो फार्मूला क्रीम ना लगा के जाएं। अगर आपकी स्किन पे हीट पड़ेगी तो आपको स्किन पे साइड इफेक्ट होगा, अदरवाइज फिर नहीं होता। फार्मूला क्रीम आप किसी भी ब्रांड की बना लें, किसी भी मेथड से बना लें, तो उसमें लाजमी ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट होता है। मगर कुछ फार्मूला क्रीम्स ऐसी होती है जिसको आप यूज़ करें, आपकी स्किन ब्राइट भी होगी, वाइट भी होगी और प्रॉब्लम नहीं होगा इतना जितना के और क्रीम से होता है। तो मैं जो आपके साथ फार्मूला क्रीम शेयर करने जा रही हूँ उससे आपकी स्किन ब्राइट भी होगी, वाइट भी होगी, और जो आपके फेस पे रिंकल फ्रिंकल के निशान है वो भी रिमूव अच्छी तरह से हो जाएंगे। वो जब भी कोई फार्मूला क्रीम यूज़ करें तो कंटिन्यूसली पहले 15 डेज डेली यूज़ करें, उसके बाद फिर 15 डेज के बाद आप 2-2 डेज छोड़ के करेंगे। 2-2 डेज छोड़ने से ये होता है कि आपकी स्किन जल्दी डैमेज नहीं होती, आपकी स्किन ब्राइट भी हो जाती है, वाइट भी हो जाती है, और जो साइड इफेक्ट है उससे भी आप फिर बचे रहते हैं। फार्मूला क्रीम किस तरह से बनाते हैं तो मैं आपके साथ पूरा मेथड शेयर करूंगी, मगर इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो किस तरह से आप कोई भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। कोई भी फार्मूला क्रीम अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप उसको रेगुलरली अप्लाई ना करें, आपको 15 डेज तक अप्लाई करना है, उसके बाद फिर गैप छोड़ छोड़ के लगाएंगे तो इस तरह से आपकी स्किन जल्दी डैमेज नहीं होती और फिर सेट भी रहती है। जब आप देखें कि आपकी स्किन फेयर टोन पे आ चुकी है तो आप फिर 2 डेज से फिर 3 डेज पे आ जाएं, फिर वीक में यूज़ करें। इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आपकी स्किन ब्राइट भी रहेगी, वाइट भी रहेगी। और जब आप कोई सी भी फार्मूला क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसको छोड़ने के बाद आपके फेस पे निशानात आ जाते हैं, आपका फेस और डल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इस क्रीम के यूज़ करने से आपके फेस पे निशानात भी नहीं आएंगे, आपका फेस डैमेज भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको यूज़ करना बताया उसी तरह से आपको यूज़ करना है। तो बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फार्मूला क्रीम बनाने के लिए जिन प्रोडक्ट की ज़रूरत है ये देख सकते हैं आप, ये मैं यूज़ करूँगी और वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी यूज़ करनी है। देख सकते हैं ये रेड कलर की स्टील मिल क्रीम है, इसकी पैकेजिंग इस तरह की होती है। आपको जब भी स्टील मिल आप बाय करें तो ओरिजिनल देख के बाय करें, इसमें देखें टैग लगा हुआ है, ओरिजिनल मेंशन हुआ हुआ है। जब भी आप शॉप से बाय करें तो इस ये टैग लगा हुआ होना चाहिए। साइड से भी आप देख सकते हैं इस तरह की है, इसके दोनों साइड पे इस तरह से स्टिकर का टैग लगा हुआ है। और कोशिश किया करें जब भी आप स्टील मिल बाय करें तो आप मेडिकल स्टोर से बाय करें,
करें, ना कि जनरल स्टोर से। स्टील मिल को यूज़ करने से आपके स्किन पे जितने भी स्पॉट्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, फ्रिंकल्स होते हैं, जितने भी निशानात होते हैं, अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं। और इस स्टील मिल के मार्केट में प्राइस 260 है। और सेकंड नंबर पे ये आर्ची प्रल क्रीम है, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, इसी पैकेजिंग में ये मार्केट में मिलती है। आर्ची के यूज़ करने से आपकी स्किन पे एक पिंक टोन आता है और काफ़ी ग्लॉसी लगती है आपकी स्किन। और इसके मार्केट में प्राइस 90 है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे है एव्यून के कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल है, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग इसी तरह की होती है। ये 200 mg के कैप्सूल्स हैं, आपको एव्यून के कैप्सूल ग्रीन में ही यूज़ करने हैं। उसके बाद है ये बेटनोवेट एन क्रीम, आप देख सकते हैं ये इसी पैकेजिंग में आती है और इसका यूज़ करेंगे, इसके यूज़ करने से आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है या दाने वगैरह हैं तो ये रिमूव करती है इसको, और इसके प्राइस 80 है। बाद लास्ट में ये फेयर एंड लवली क्रीम है, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और इसके मार्केट में प्राइस 100 rupees है। फेयर एंड लवली कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास 25 वाले शाशे हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो फेयर एंड लवली है ये मल्टी विटामिन है और ओरिजिनल है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। बाद ये देखें मेरे पास ये वैक्स स्टिक है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, 20-30 rupees की ये मिलती है, तो आप इजीली एक बाय करके रख लें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्पून के जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है वहाँ उससे भी आप मिक्सिंग कर सकते हैं। और ये एम्प्टी कंटेनर है, आप देख सकते हैं कोई सा भी कंटेनर आप क्लीन करके रख लें अपने पास। फार्मूला क्रीम मिक्सचर को किस तरह से रेडी करना है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फार्मूला क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एम्प्टी बाउल लेना है, आपको कोई सा भी बाउल लेंगे, बाउल या बिग लें, लेकिन आपका जो बाउल होना चाहिए वो शीशे का होना चाहिए। फार्मूला क्रीम बनाने के लिए मैं रेड स्टील मिल का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको जल्दी अपना फेयर लुक चाहिए तो आप ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। रेड वाली मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, निशानात हैं या एक्नी का इशू है तो ये अच्छी तरह से निशान वगैरह को ख़त्म कर देती है। और अगर आपके फेस पे हैवी दाने हैं या बहुत ज़्यादा दाने हैं तो फिर आपको इस क्रीम का यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आपके फेस पे हैवी दाने हैं, ज़्यादा दाने हैं, तो फिर आपको फार्मूला क्रीम की नहीं बल्कि फेशियल की नीड होती है। पहले फेशियल करवा लें, फेशियल से ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, जब वो रिमूव हो जाए फिर आप इस फार्मूला क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल स्टील मिल काफ़ी अच्छी सी होती है और शाइनिंग उसमें नज़र आती है, अगर आप लोकल लेंगे तो उसमें एक शाइनिंग नहीं होगी, वो प्योर वाइट सी होती है। मैं एम्प्टी बाउल में रेड फ्रिकल क्रीम पूरी ले रही हूँ, आप भी इसी तरह से पूरी निकाल लेंगे। जो फार्मूला क्रीम मैं बना रही हूँ ये आपकी 1-2 months इजिली चल सकती है और इसमें जितनी भी प्रोडक्ट यूज हुई है तो आपको 600 तक की मिल जाएगी। फार्मूला क्रीम बनाते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको अपनी फिंगर क्रीम पे टच बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर आप फिंगर टच करते हैं तो आपकी फिंगर में जो डर्ट वगैरह होगा वो अंदर क्रीम पे चले जाएगा। उसके बाद जब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर आपकी जो फेस की लेयर है उस पर वो डर्ट चिपक जाएगा और फिर इस तरह से आपको एक्ने का इश्यू हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जब भी कोई फार्मूला क्रीम बनाएं तो आप जैसे आप स्पून की हेल्प से बना रहे हैं तो स्पून ही सिर्फ उसमें मिक्स अच्छी तरह स्पून से करें और बिल्कुल भी फिंगर का यूज़ नहीं करना। आपको क्रीम बनाने के बाद अगर स्पून पे जो क्रीम लगी हुई बच भी जाती है या जो बाउल में लगी हुई होती है तो उसको आप 1-2 दिन के अंदर यूज़ कर लें, उसके बाद जो आपने कंटेनर में बनाया है वो बाद में यूज़ कर लें। मैं ये आर्ची क्रीम ले रही हूँ, ये देख सकते हैं इसी पैकेजिंग में ये आती है, तो ये मैं पूरी आर्ची ले लूँगी। मैं ये स्टिक की हेल्प से ले रही हूँ, अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप स्पून के जो बैक साइड का एरिया होता है उससे आप इसको निकाल के पूरा अच्छी तरह से ले लेंगे। आर्ची क्रीम की स्मेल काफ़ी अमेजिंग क्रीम है, आप इसको नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर फार्मूला क्रीम लगाना ना चाहें तो आप इस आर्ची क्रीम को लगाएंगे तो आपकी स्किन पिंक टोन की हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है, फ्लॉलेस सी लगती है और इसके यूज़ करने से आपकी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। फार्मूला क्रीम आप जब भी अप्लाई करें तो आपको जो क्रीम आप अप्लाई कर रहे हैं आप खुद ही अप्लाई करें, अगर आपकी सिस्टर वगैरह अप्लाई करना चाहती है तो जब आप न्यू बनाएं तो हाफ उसमें से दे दें, अदरवाइज उसी क्रीम में से निकाल के ना दें, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं आपकी फिंगर उसमें जाएगी, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फिंगर उस टाइम जाएगी, बनाते वक्त आपको फिंगर का यूज़ नहीं करना, लेकिन जब बन जाती है, जब आप रख लेते हैं तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो फिंगर की हेल्प से अप्लाई करते हैं।
तो जो फार्मूला क्रीम आपने बनाई है आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो किसी दूसरे को ना दें, क्योंकि अगर आपकी फिंगर के जर्म्स उसमें जाते हैं तो अगर कोई और अप्लाई करता है तो उसको एक्नी वगैरह का इशू हो सकता है। और अगर किसी घर में दो तीन सिस्टर हैं और वो चाहती हैं कि इसकी फार्मूला क्रीम को तीनों लगाएं, तो फिर आप ऐसा करें जैसे एक टाइम में इकट्ठे बना लें, उसके बाद अलग अलग कंटेनर में रख लें, अपने जो कंटेनर है वो अलग अलग यूज़ करने हैं। अगर एक ही कंटेनर से यूज़ करेंगे फिर दाने का और एक्नी का इशू हो सकता है। उसके बाद मैं ये फेयर एंड लवली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये फेयर एंड लवली नहीं है तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ये फेयर एंड लवली मैं हाफ स्पून ले रही हूँ, आप देख सकते हैं आपको भी हाफ स्पून ही यूज़ करना है। आप देख सकते हैं मैंने इतनी क्वांटिटी इसकी यूज़ की है। अगर आपके पास ये फेयर एंड लवली नहीं है तो आप जो शाशे में मिलती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जिसमें कैप्सूल ज़्यादा होते हैं वो वाली फेयर एंड लवली यूज़ नहीं करें। उसके बाद ये मैं बेटनोवेट एन क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये इसी के पैकेजिंग में होती है, ग्रीन और वाइट कलर की होती है। इसमें पहले स्मॉल साइज़ में भी आती थी लेकिन अब नहीं मिल रही, लेकिन अगर मिलती है आपको कहीं से मिल जाए तो आप उसका हाफ़ यूज़ करेंगे। और इस बेटनोवेट में एक रेड कलर में भी आती है, यानी वाइट और रेड कलर में भी, तो वो यूज़ नहीं करेंगे, आपको बेटनोवेट एन क्रीम का ही यूज़ करना है। ये बेटनोवेट क्रीम इस तरह से सील हुई हुई होती है तो आप इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद बेटनोवेट एन को भी हम हाफ स्पून लेंगे। जितना हमने फेयर एंड लवली का यूज़ किया है उतना ही हम इसका भी यूज़ कर रहे हैं। आपको जितनी क्वांटिटी बताई है आप इतनी ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे नहीं। इस फार्मूला क्रीम से आपकी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट इतना नहीं होता जितना कि और क्रीम से होता है। आप इसको लगाएंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इस फार्मूला क्रीम को यूज़ करने से आपके इस फेस पे निशानात वगैरह है, रिंकल्स है या फ्रिकल्स है, तो अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। आपकी स्किन ब्राइट होती है, वाइट होती है, लेकिन जिस तरह से आपको यूज़ बताया है इसी तरह से आपको इसको यूज़ करना है। इसके बाद ये मैं एव्यून के कैप्सूल ले रही हूँ। ये ग्रीन कलर के हैं और 200 mg के हैं। एव्यून कैप्सूल 2 यूज़ करेंगे। आपको क्वांटिटी इसकी नहीं बढ़ानी कि अगर आप फेयर ज़्यादा होना चाहते हैं या जल्दी होना चाहते हैं, तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कैप्सूल की क्वांटिटी बढ़ा देती हैं, यानी एक ही क्रीम में 4 डाल देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। इस कैप्सूल को या तो सीजर की हेल्प से कट कर लें या नीडल वगैरह से होल करके इसका जो अंदर का मटेरियल है वो इसको निकाल लें। अच्छी तरह से निकालना है आपको। ये उनके जो ग्रीन कलर के कैप्सूल होते हैं फेस के लिए होते हैं और जो रेड वाले होते हैं वो हेयर के लिए होते हैं। हमने जितनी भी क्रीम्स वगैरह डाल के इस तरह से हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसलिए मिक्स करना होता है क्योंकि अगर आपने जो कैप्सूल डाला है कहीं वो रह जाता है, तो अच्छी तरह से आप ब्लेंडिंग मिक्सिंग करेंगे। फार्मूला क्रीम की स्मेल काफी अच्छी है और रिजल्ट भी काफी अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये क्रीम मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह का कलर हो जाता है, ये देख सकते हैं, लाइट क्रीम टाइप का। केक में जो क्रीम अप्लाई करते हैं उस टाइप का इसका मिक्सचर तैयार हो जाता है, काफी अच्छा सा लगता है। आपको इतना मिक्स करना है जब तक कि इसका एक कलर ना आ जाए, क्योंकि देखिए अगर आप सही से मिक्स नहीं करेंगे कहीं से व्हाइट रह जाएगा कहीं से क्रीम, तो उस तरह से फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका मिक्सचर है जो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एक ही कलर आ जाए। तो हैं तकरीबन जो मेरी क्रीम है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, इस तरह की थिक फॉर्म पे बनेगी क्रीम। क्रीम को आप इजिली स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि आप इसको 3 मंथ 4 मंथ जब तक आप रखना चाहे 6 मंथ तक इसको रख सकते हैं। आपको इसका यूज मैंने आप बता दिया किस तरह से आप इसको यूज करेंगे और इसी तरह से आपको यूज करना है, और आप देखिएगा इसका कैसा रिजल्ट है और इसको यूज करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा है इसका रिजल्ट। है इसका कलर सेम हो चुका है और अब मैं इसको कंटेनर में स्टोर कर लूंगी। किसी कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेरे पास गोल्डन पल का कंटेनर है, इसमें मैं रख रही हूँ। आपके पास अगर स्टील मिल का है उसमें रख लें, अगर आपके पास इससे भी बड़ा साइज में है तो उसमें रख लें। आपका जो कंटेनर है अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा ताकि उसमें जर्म्स वगैरह ना हो। आपने देखा फार्मूला क्रीम बनाते वक्त मेरी फिंगर का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ, स्टिक की हेल्प से ही मैंने मिक्सचर को बनाया है और स्टिक की हेल्प से ही मैं इस तरह से भर रही हूँ। तो आप भी स्टिक का यूज़ करेंगे, अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप स्पून का यूज़ कर लें, लेकिन आपको फिंगर का यूज़ नहीं करना बनाते वक्त। हाँ, इस तरह से मैंने स्टिक की हेल्प से इसको अच्छी तरह से भर लिया है। उसके बाद जो क्रीम देखें आप देख सकते हैं नीचे जो बची हुई है उसको मैं जो स्टील मिल का जो कंटेनर खाली हुआ उसी में फिल कर लूंगी। इसके अलावा और क्रीम का भी यूज़ किया है इसलिए कंटेनर का साइज़ है जो स्टील मिल का कम है, और जो क्रीम्स की
की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, इसलिए आप कोई सभी जैसे बिग कंटेनर लेंगे तो वो सेट रहेगा, और अगर आपके पास बिग नहीं है, अगर स्मॉल साइज़ भी है जैसे ये वाले कंटेनर, तो इसमें आप दो साइड पे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसको गर्मियों में बनाए तो आप इसको फिर फ्रिज कर सकते हैं। नाउअडेज जो वेदर चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, फ्रिज में आपको नहीं रखना। अब मैं अप्लाई मेथड बता देती हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अपना फेस वॉश अच्छी तरह से कर लें और फिर ड्राई होने दें। जब ड्राई हो जाए तो इस तरह से आपको स्लो स्लो मसाज देना है, बिल्कुल मसाज नहीं, ये समझ लें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है अपनी स्किन पर। फिंगर की हेल्प से इस तरह स्लोली स्लोली इस तरह से ब्लेंड करते जाएंगे तो आपकी स्किन पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मगर क्योंकि इस क्रीम में स्टील मिन ऐड हुई हुई है, इसलिए जो चिकनाहट होती है वो आपके हैंड में फील होगी, यानी फिंगर में जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपको फील होगा, तो उसमें कोई मसला नहीं होता, वो होने दें। लेकिन इस तरह से आपको क्रीम अप्लाई करनी है, उसके बाद फिर आप सो जाएंगे। फिर मॉर्निंग में आप जब भी उठें तो चूल्हे पे जाने से पहले या बाहर जाने से पहले फेस वॉश करके निकले, क्योंकि इस पे हीट नहीं पड़नी चाहिए। अप्लाई मेथड मैंने आपको बता दिया और किस तरह से आपको क्रीम को यूज करना है वो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया है। इस फार्मूला क्रीम को यूज करने से आपकी स्किन काफी अच्छी हो जाएगी और स्पॉट्स वगैरह अच्छी तरह से रिमूव हो जाएंगे और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।